एक सवाल था, यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो भारत के जो वहाँ पर छात्र थे उन्हें सुरक्षित रूप से वापस भारत लाया गया। ये एक एक दिल हिलाने वाला किस्सा था। इसमें आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल हस्तक्षेप किया था, पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, यूक्रेन की चर्चा जरा ज़्यादा हुई खिलाफ, लेकिन मैं 14 से लेकर ऐसी कई घटना है। अगर आपने एक सुषमा स्वराज जी का एक इंटरव्यू है, आप देखिए कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोगों को लाए, और सऊदी किंग के साथ मैंने बात कर करके उनसे कहा भाई मुझे वहाँ यमन से लोगों को लाना है, तो आपका बॉम्बार्डिंग चल रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, मुझे कैसे मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ समझ लीजिए मुझे, और सुषमा जी ने अपने इंटरव्यू में सारी चीज़ें कही हुई हैं। भारत की रिक्वेस्ट पर एक पीरियड रहता था जिस पीरियड में बॉम्बार्डिंग नहीं होता था, और उस समय हम हवाई जहाज में हमारे लोगों को निकालते, यमन से करीब 5,000 लोगों को हम लाए थे। उसी प्रकार से यूक्रेन में, मेरा यूक्रेन से भी इतना ही घनिष्ठ नेता है, मेरा रशिया से भी इतना ही घनिष्ठ नेता नाता रहा है, दोनों राष्ट्रपति के साथ मैं बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूँ कि युद्ध का समय नहीं है, मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूँ पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए, और इसके कारण मेरी क्रेडिबिलिटी है। और जब मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग, हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए, और मैं आप क्या व्यवस्था कर सकते हो, फिर मैंने बताया मैंने इतनी इतनी व्यवस्था की है, आप इतना मेरी मदद कीजिए। उन्होंने मदद की, और भारत के तिरंगे की ताकत इतनी थी कि विदेशी व्यक्ति की भी भारत का तिरंगा हाथ में रखता था तो उसके लिए जगह मिल जाती थी, तो मेरा तिरंगा ही मेरी गारंटी बन गया था।